हम आज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स का नॉलेज हमें होना बहुत आवश्यक है, जैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। फंक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन जनरल घर में सबके फंक्शंस होते हैं, मैरिज फंक्शन, बर्थडे पार्टी फंक्शन, एक्स वाई जेड। तो कोई भी फंक्शन होगा तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि गेस्ट कितना आने वाला है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, दूसरा अब ये जरूर देखा जाता है कि जो आपका इनपुट है, जो हमने सोचा है कि अगर आपने एक घर में फंक्शन है और हमने सोचा है कि 1000 लोगों का खाना है, तो आप क्या करते हैं, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं। रीजन आप सबको पता है। फंक्शन के अंदर जिनको अपने लिफाफे दिए वो हमें क्या करेंगे, कुछ डोनेट करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया डोमेन। और जो डोमेन के साथ आएंगे वो क्या होंगे, रेंज। और कुछ लोग रेंज के अलावा भी होंगे, वो क्या होंगे, कोडोमेन। हम एक फैमिली का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एक फैमिली के अंदर फादर साहब, मदर एंड उनका लड़का फंक्शन में गए। एक एग्जांपल लिया मैंने। फंक्शन में उनकी इमेज होगी, उनकी भी इमेज होगी, या जो कोडोमेन के अंदर जो शो किया जाता है वो होता है उनका इमेज। अब देखो, यहां आपके पास हो सकता है कि डोमेन से भी ज्यादा मेंबर हो और इक्वल भी हो। तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। माइंड में ये भी आ सकता है, सर हमने किसी को लिफाफा दिया और वो आया नहीं, तो वहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी बिना लिफाफा लिखा होंगे सर, बिना लिफाफा लिए होंगे सर, तो यहाँ पे मेंबर ज्यादा हो सकते हैं, किससे, रेंज से भी। ओके, वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन। एक आपको रिलेशन दे रखा है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस वन माइनस टू वन टू। यहां पे आपको दे रखा है सब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ये कहलाएगा आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन। फर्स्ट सेट जो है वो आपका डोमेन और सेकंड जो सेट है वो आपका कोडोमेन। आपने माइनस टू रखा है यहाँ पे,
एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, क्या मिलेगा आपको फोर। माइनस वन रखा आपको मिला वन, जीरो रखा आपको मिला जीरो, वन रखा वापस वन मिला, एंड टू रखा फोर मिला। सो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो आपके क्या हो गए, डोमेन। आपने माइनस टू रखा तो आपको क्या मिला फोर, एंड टू रखा तब भी आपको मिला फोर, जीरो रखा तो आपको मिला जीरो, वन रखा तब भी आपके पास वन, माइनस वन रखा तब भी आपके पास वन। इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो तो हो गए आपके डोमेन। माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, रेंज। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है आपके पास, फोर, जीरो, वन। तो आप लिख सकते हैं फोर, जीरो, वन। डोमेन हो गया आपका ये, रेंज हो गया ये। कोडोमेन, कोडोमेन ये सारे एलिमेंट्स जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फंक्शन को हम इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। सपोज ये कोई आपका कोई सिस्टम है, सिस्टम लाइक ए मशीन, आपने इसके अंदर कुछ इनपुट किया, तो आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे सपोज करो ये मशीन है फैन, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की तो आपको एयर मिली। ये जो इनपुट है वो आपका कहलाएगा डोमेन, और जो आउटपुट है वो आपका रेंज। कंडीशन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन, ए बी सी डी ई एफ जी, इसके ऊपर मैपिंग लगाने पर सपोज करो आपको डी मिल रहा है, और डी के ऊपर मैपिंग लगाने पर ई मिल रहा है, सी के ऊपर मैपिंग लगाने पर जी मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर फर्स्ट डोमेन के सभी एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए का को डोमेन के अंदर। यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो जिसकी इमेज नहीं मिले। यहां जो मिलता है उसको बोलते हैं इमेज, और जैसे ए की इमेज है आपके पास डी, बी की ई, सी की जी। सेकंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन ए बी सी डी ई एफ जी एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए का बी के अंदर। जैसे आपके पास ए जुड़ा हुआ डी से एंड बी जुड़ा हुआ है आपका ई से, और इसकी इमेज सी की इमेज सपोज करो एफ है। अगर ऐसा हो गया ए दोनों इमेज शो करने लग गया, ए रखने पे आपको डी भी मिल रहा है और ए रखने पे जी भी मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। बट ऐसा हो सकता है, कैसा आपके पास दे रखा है यहां एक्स वाई जेड, सपोज यहां दे रखा है आपको ए बी, एक्स और वाई रखने पे आपको बी मिल रहा है, और जेड रखने पे आपको क्या मिल रहा है इमेज ए। ये चलेगा आपके पास, यस इट इज फंक्शन, इट मीन्स ये चलेगा ये नहीं चलेगा। एक बंदे का एक इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होने चाहिए। हाँ दो एलिमेंट सेम इमेज रख सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग इमेज वाले एलिमेंट कभी एक नहीं हो सकता। या फिर अदर लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं मैं, एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग नाम के इंसान कभी एक नहीं हो सकता। फंक्शन ऑफ फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल which associate each element of A with a unique element of B. It means set A का each element set B के किसी ना किसी element से जुड़ा होना चाहिए, unique elements, unique मतलब एक element, set B के एक element से जुड़ा होना चाहिए। Represented by F such that A to B, F equals to curly bracket order pair की form लिखा गया A comma B such that B equals to F of A, A belong to capital A and B belong to capital B, where A is domain and B is codomain. Then F will be function from A to B if first condition. No two element of set A have same image in set B.
कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास सेट ए के कोई भी एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए कहां पे बी के अंदर, ए और बी से और डी दे रखा है, ये नहीं होना चाहिए आपका। ए रखने पर भी सी आ रहा है और डी रखने ए रखने पर सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट फंक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए सच फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, सेट ए दे रखा है साहब आपको माइनस वन जीरो वन, एंड सेट बी दे रखा है आपको जीरो वन टू, और फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू डिफाइन हो रखा है एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको मैपिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन। इसके अंदर एलिमेंट है वो यार रख दिया आपने माइनस वन जीरो वन, और यार रख दीजिएगा जीरो वन टू। आपने इस मैपिंग लगाई अप्लाई किया, मैपिंग कह रही है आपको माइनस वन रखा यहां पे तो आपको क्या मिला प्लस वन, इमेज ऑफ माइनस वन इज प्लस वन, जीरो रखा जीरो मिला आपको, यहां रखा ओके इधर हाँ वन रखा तो क्या मिला आपको वापस वन। इट इज फंक्शन बिकॉज यहां पे आपके पास जो दे रखे एलिमेंट वहां पे कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनकी यहां पे इमेज क्या मिल रही है आपको सेम, खाली रह सकता है यहां पे कोई भी छूट सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कहां पे कोडोमेन के अंदर, लेकिन सबकी क्या मिलनी चाहिए आपको इमेज, और सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज इन कोडोमेन। एक और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको, एग्जांपल थर्ड एफ सच दैट ए टू बी, ए दे रखा आपको 25, 64 एंड बी दे रखा आपको 5, 5, 8, -8, 10। फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन हो रखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको मैपिंग की फॉर्म में समझते हैं, ये आपका डोमेन कॉल डोमेन, आपने 25 रखा है यहां पे 25 और 64 माइनस 5, 5, 8, -8, 10। 25 रखा आपने तो आपको क्या मिला प्लस माइनस 5, तो 25 रखने पे आपको प्लस का 5 भी मिल रहा है और माइनस का 5 भी मिल रहा है, सिक्सटी फोर रखने पे आपको माइनस का 8 मिल रहा है और प्लस का 8 भी मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये यूनिक
इमेज होनी चाहिए कहां पे, कोडोमेन के अंदर। यहां इमेज कितनी आ रही है, दो दो आ रही है, तो इट इज नॉट आंसर। सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट डी। एग्जाम्पल, जैसे आपको दे रखा है 1 2 3, यहां दे रखा है आपको 4 5, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी। किसी मैपिंग के थ्रू 1 रखने पर 4 आ रहा है एंड 2 रखने पर आपको 5 मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर यहां पे 3 एलिमेंट छूट गया ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन सेट डी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकेंड, हैव सच दैट रैशनल नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। हियर डोमेन इज रैशनल नंबर एंड कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। मैपिंग डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। सपोज आपने रैशनल नंबर में 1 रखा तो आपको 1 मिला, रेशनल नंबर में आपने हाफ रखा इधर मिलेगा कुछ नंबर, यस 1 मिला, 1/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 मिला। सपोज आपने रेशनल नंबर में रखा 1/3, 1/3 यहां रखा आपने, वहां मिलेगा आपको 2/3 एंड 2/3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या, इसकी इमेज नहीं आएगी कहां पे, सेट बी के अंदर। तो ये क्या नहीं होगा आपका, फंक्शन नहीं होगा। ओके,